हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑलरेडी पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया के बारे में, फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। आज हम आगे का टॉपिक बढ़ा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और एक और टॉपिक बच जाएगा इसके बाद, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आइए हम आज बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है क्या कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, हर एक्शन बॉडी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है होता है। और साथ में ये भी याद रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। उसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। देखिए, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, आप याद रखिए कि दुनिया में कोई भी आप एक्शन करते हैं, ठीक उल्टा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये बॉय जो होता है इस वॉल को धक्का मार रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आदमी जो खड़ा है इस, ये वॉल यहाँ पर रखा हुआ है, इसको तो पुश कर रहा है आगे की ओर। यानी ये इधर की ओर इसको धकेल रहा, आगे की ओर धकेल रहा, देखिए इस तरफ धकेल रहा है। तो ये आदमी इस वॉल के ऊपर में फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। देखिए, ये आदमी क्या कर रहा है, इस वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आदमी फोर्स अप्लाई करके, जैसे ही फोर्स अप्लाई, ये देखिए पैर में क्या पहना हुआ है, स्केटर जो होता है पैर में पहना हुआ है। जैसे ही इसको फोर्स पीछे की ओर इसको अप्लाई करेगा आगे की ओर, ये आदमी किधर चला जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा। तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये आदमी जो होता है फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, लेकिन ये बैक डायरेक्शन में कैसे चला गया। याद है हम लोग पढ़ते थे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड में, ये खुद जा रहा है राइट साइड में चल जा रहा है। पहले दीवार में सटा हुआ था, दीवार से अलग हो गया, ऐसा क्यों हुआ भाई। सिंपली बात है, ऐसा इसीलिए हुआ कि ये आदमी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो जितना फोर्स ये आदमी इसकी दीवार के ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक उतना ही फोर्स ये वॉल भी इस आदमी के ऊपर अप्लाई किया। तो यहाँ ये जो फोर्स दिख रहा है, ये फोर्स किस पर लग रहा है, इस बॉय के ऊपर लग रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है भाई, तो ये वॉल अप्लाई कर रहा है। और ये आदमी इस पर किस पे, ये वाला फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा है, वॉल के ऊपर में। कौन कर रहा है, तो ये बॉय कर रहा है। यानी बॉय जो होता है, जितना फोर्स इसके लगाया ठीक उतना ही फोर्स वॉल भी इसके ऊपर लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, इस कारण ये पीछे चला गया। ठीक है, तो सिंपली बात है, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये आदमी इस पे जितना आगे की ओर फोर्स अप्लाई किया, उतना ही इसके ऊपर पीछे की ओर फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए, ये आदमी भाई, ये तो समझ में आ गया कि ये इस पे फोर्स अप्लाई करे तो ये भी इस पे फोर्स अप्लाई किया। अब मान लेते हैं कि ये आदमी इस वॉल को धीरे से फोर्स अप्लाई करेगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कम दूर जाएगा।
अगर ये आदमी इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करे तो ये ज्यादा पीछे जाएगा, है कि नहीं? आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, आप इस वॉल के ऊपर थोड़ा सा फोर्स धकेलिए तो आप थोड़ा पीछे जाइए, ज्यादा फोर्स धकेलिए तो ज्यादा पीछे जाइए। ऐसा क्यों? कि ये बात है कि आप इस पे फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो ये भी आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कीजिएगा करेगा। पहला बात तो ये हो गया, आप अगर ये वॉय वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करा तो वॉल भी वॉय के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है? इसलिए वॉय पीछे की ओर चला जाएगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गया। लेकिन अब ये बात है कि कितना फोर्स अप्लाई, कौन किस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वॉय इस वॉल के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा तो वॉल भी वॉय के ऊपर 10 ही न्यूटन लगाएगा। अगर वॉय वॉल के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा तो वॉल भी वॉय के ऊपर 20 ही न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। यानी कहने का मतलब है क्या कि आप जितने बॉडी पे फोर्स अप्लाई कीजिएगा बॉडी भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, और दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा क्या? नहीं। आप वॉल के ऊपर बैक साइड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल आपके ऊपर में राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। इसीलिए कहा जाता है टू एवरी एक्शन, जितना भी एक्शन होता हैव इक्वल 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 करने का मतलब ये इस पे टेन लगाएगा तो ये भी इस पे टेन लगाएगा। इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसके ठीक अपोजिट ये इस पे लगाएगा। यही आपका न्यूटन थर्ड लॉ है। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? देखिए यहाँ पे देखिए ये आदमी इस पे जितने फोर्स से इस गाय को खींच रहा है तो गाय भी ठीक उतना ही फोर्स से आदमी को भी खींच रहा है, और इसीलिए ना गाय आगे जा रहा है ना ही आदमी इधर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे से रखा हुआ है, रुका हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों एक दूसरे पे अप्लाई कर रहा है, इसलिए दोनों रेस्ट में है, ठीक है? उसके बाद देखिए वही लिख रहा है क्या, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, ठीक है? ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आप क्या कहिए कि ये जो आपको है फोर्स नापने वाला बसी स्प्रिंग बैलेंस है जो कि फोर्स नापता है, एक स्प्रिंग बैलेंस को वॉल से कनेक्ट कर दिए, दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को आप दोनों एक दूसरे से दोनों स्प्रिंग बैलेंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए और सेकेंड वाले को आप हाथ में लेके खींच रहे हैं, तो आप हाथ से खींच रहे हैं तो ये वाला स्प्रिंग वाला फोर्स किधर अप्लाई करेगा? ये वाला स्प्रिंग बैलेंस इस वाले को अपनी ओर खींचेगा और ये वाला स्प्रिंग बैलेंस इसको अपनी ओर खींचेगा। यानी ये वाला इस पे इधर फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला इस पे इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। तो देखिए दोनों फोर्स का डायरेक्शन अब अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे मैग्नीट्यूड सेम है? देखिए यहाँ पे रीडिंग क्या आ रहा है इसका, 4 न्यूटन और यहाँ भी 4 न्यूटन, यानी दोनों एक दूसरे को 4 न्यूटन से ही खींच रहा है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लैब में करके देख सकते हैं, ठीक है? या दो स्प्रिंग बैलेंस आप कहीं से मिले तो आप करके देख सकते हैं। इससे प्रूफ होता है कि दोनों फोर्स एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना? इक्वल होगा यानी कोई भी एक्शन, ये एक्शन होगा, कोई भी काम आप करते हैं तो उसको कहा जाता है एक्शन। तो ये कोई भी एक्शन होता है उसका इक्वल होता है, इक्वल यानी यहाँ फोर इक्वल और साथ में अपोजिट, ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, अपोजिट रिएक्शन होता है। इसी को बोलते हैं क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये चीज जो होता है, आप ये देखिए, ये आपको जो होता है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये यहाँ पे रुका हुआ कैसे है? इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके अगर हम यहाँ डालेंगे, छत है, छत से इसको गिराएंगे नीचे गिरेगा ये फट से, लेकिन इस सरफेस के ऊपर इसको हम रखे हुए हैं तो यहीं पे क्यों रुका हुआ, ये नीचे क्यों नहीं, सरफेस को तोड़ करके नीचे क्यों नहीं चला जा रहा है? क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट जो होता है सरफेस पे, इस सरफेस के ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक, जिसको mg कहते हैं, यानी इसका वेट होता है जिसको mg कहते हैं। ये mg वेट क्या होता है ये हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। तो ये वाला जो फोर्स लगा रहा है जमीन के ऊपर उसको बोलेंगे mg, जो कि वेट होता है। तो ये सरफेस जो होता है ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, जिसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स अप्लाई कर दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाता है, इसलिए यहीं पे रुका रहता है।
तो ये वाला बॉडी इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, वेट अप्लाई करा, तो ये वाला बॉडी भी इसके ऊपर में रिएक्शन कर रहा है, जिसका नाम है क्या, रिएक्शन फोर्स का नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। एक्शन फोर्स का नाम है वेट और रिएक्शन फोर्स का नाम है क्या, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये बात हो गया, यानी हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब देखिए यहाँ सेकेंड, देखिए आदमी है चल रहा है, हम लोग चल कैसे पाते हैं, तो हम लोग अपने पैर से पीछे की ओर जमीन को धकेलते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखिए पैर को पीछे की ओर धकेलते हैं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ जाते हैं, हम लोग पैर को पीछे की ओर धकेलते हैं। आप बोलते नहीं सर, हम आप ये सोचते होंगे कि हम लोग आगे की ओर फोर्स अप्लाई करते हैं अपने पैर से और आगे बढ़ते हैं, गलत। हम लोग अपने पैर से पीछे की ओर फोर्स अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों, कैसे होता है आपको। तो जितने फोर्स से हम इस वॉल इस सरफेस को पीछे की ओर फोर्स अप्लाई करती है, उतना ही फोर्स ये सरफेस भी हमको आगे की ओर लगाता है, और इस कारण आगे हम बढ़ पाते हैं। तो हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, जितने फोर्स से आप इस ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलेगा, उतना ही फोर्स से ग्राउंड आगे की ओर आपको धकेलता है और आगे आप बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्विमर स्विम कर रहा है, तो वो क्या करता है, पानी को, ये स्विमर जो होता है पानी को पीछे की ओर धकेलता है अपने हाथ से, उतना ही फोर्स वाटर भी इसको आगे की ओर लगाता है और ये आगे बढ़ता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे पानी में, आप पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, जितने फोर्स से आप पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, उतना ही फोर्स पानी भी आपको आगे की ओर धकेलता है, तो इस कारण स्विमर जो होता है आगे बढ़ पाता है आपको, है कि नहीं। ये बात हो गया, जैसे कि आप नाव से कूद, अगर नाव पे कभी आप चढ़े होंगे, जैसे ये नाव है, नाव पे आप चढ़े होंगे, तो नाव है किनारे पे आपको आ गया, नाव से आप कूद करके किनारे पे आए तो क्या होता होगा, सपोज आप नाव में बैठे हुए, नाव से कूद के किनारे पे आप चले गए तो क्या होगा, नाव क्या वहीं रह जाएगा क्या, नहीं, नाव पीछे की ओर चला जाएगा। क्यों जाएगा भाई पीछे की ओर, क्योंकि आप जो होता है नाव के ऊपर किधर फोर्स अप्लाई की है, आप नाव की ओर पीछे की ओर फोर्स अप्लाई किए, तो नाव आपके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है क्या, आगे की ओर। जितने फोर्स से आप नाव को पीछे की ओर धकेलेगा, उतना ही फोर्स नाव आपको आगे की ओर धकेलेगा, तो आप जो फोर्स आपको नाव जो आगे की ओर धकेला, इस कारण आप यहाँ से यहाँ चला है, और आप जो फोर्स अप्लाई करें नाव को, उस रिएक्शन फोर्स का नाव पीछे चला गया आपको, आया समझ में। इस कारण आप नाव से कूदिएगा, नाव पीछे जाएगा और आप आगे जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। अब उसके बाद बात करते हैं क्या, जैसे कि आप ये है, ये अब बंदूक है, बंदूक का गोली है, ये बंदूक है, इस बंदूक से इस बुलेट को हम फायर किए तो आपका बंदूक जो होता है पीछे की ओर भागता है कि नहीं, भागता है ना। आप जैसे कि बंदूक का फायर किए तो आप क्या होगा, ये गोली आगे की ओर जाता है, बंदूक जो होता है हल्का पीछे की ओर जाता है। अगर कमजोर आदमी बंदूक को पकड़ा हुआ है फायर करने के बाद, वो गिर भी सकता है, क्यों कि तो आप आदमी जो होता है बंदूक को गोली फायर करने के बाद उसमें फोर्स पीछे की ओर लगता है, ठीक है। तो कैसे भाई, जितने फोर्स ये जो आपको बंदूक इसके ऊपर अप्लाई करता है, बुलेट के ऊपर अप्लाई करता है, उतना ही फोर्स बुलेट भी बंदूक के ऊपर पीछे के डायरेक्शन में अप्लाई करता है। इसका कारण बंदूक आगे की ओर मूव करता है, बंदूक पीछे की ओर मूव करता है। तब बंदूक जिस वेलोसिटी से पीछे की ओर मूव करता है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्या, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है रिकॉइल, यहाँ से सब वर्ड सुनिएगा, रिकॉइल। रिकॉइल क्या होता है, आप मान लेते हैं कि रिएक्शन फोर्स, आप मान लेते हैं बंदूक से गोली छोड़े, बंदूक का गोली आगे की ओर गया, और आपका बंदूक जिस वेलोसिटी से पीछे की ओर जाता है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्या, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में बुलेट फायर करने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बंदूक के ऊपर जो फोर्स लगता है, उसके कारण बंदूक पीछे की ओर जिस वेलोसिटी से मूव करता है, उसको बोलते हैं क्या, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखिए घर में बाय द वे आपका क्या होता है, आप बैलून ले लीजिए, बैलून को आप क्या कीजिए, फुला दीजिए। फुलाने के बाद ये बैलून आप ले लीजिए, यहाँ पे बैलून में एयर भर दीजिए, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है, इसको आपको क्लोज नहीं करना है, इसको हाथ से जाते रहिए और छोड़ दीजिए। जैसे ही हाथ से आप छोड़िएगा, ये बैलून बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर देगा, क्यों, आखिर आप इसमें एयर भरें, जैसे ही इसको छोड़े आप, तो आगे की ओर भागना क्यों स्टार्ट कर दिया। सिंपली ये बात है कि बैलून जो होता है, बैलून ये आप वो पार्ट ओपन है, सारे के सारे एयर तेजी से बाहर की ओर निकलेगा बाहर,
तो बाहर इस डायरेक्शन में जो एयर है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो एयर जितने फोर्स से इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स बैलून के पीछे की ओर लगेगा। तो एयर तेज से जितने फोर्स से बाहर की ओर निकलेगा उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगेगा, तो इधर से एयर निकलते जाएगा, इधर से बैलून आगे के ऊपर बढ़ते जाएगा आपको, है कि नहीं। इसी रॉकेट इसी प्रिंसिपल पे रॉकेट वर्क करता है। रॉकेट में भी क्या होता है, ये रॉकेट में भी सेम फ्यूल भरा रहता है। ये फ्यूल जो होता है वो जल करके तेजी से पीछे की ओर भागता है, इसका गैस जितने फोर्स से गैस पीछे की ओर भागता है उतने ही फोर्स इस रॉकेट पे आगे की ओर लगता है और इस कारण रॉकेट आगे की ओर मूव करता है। यानी हर एक्शन का ठीक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब आप सोचिए कि हेलीकॉप्टर जो होता है, ये जो आपको हेलीकॉप्टर है जो पंखी लग रहा था, ये कैसे उड़ पाता है हेलीकॉप्टर बताइए आप हमको, ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ पाता है आखिर, क्या लगता है सोचिए बताइए हेलीकॉप्टर कैसे उड़ पाता है। देखिए हेलीकॉप्टर का ये जो आपको पंखा होता है वो तेजी से घूमता है, तेजी से घूमता है तो जितना भी एयर उसके चारों तरफ उसको नीचे की ओर धकेलता है, नीचे की ओर धकेलता है। यानी एयर जो होता है ये एयर पे फोर्स लगाता है नीचे की ओर, तो ठीक जितना फोर्स से ये एयर को नीचे की ओर पुश करता है उतना ही फोर्स एयर भी क्या करेगा, इसको आगे की ओर लगाएगा। तो आप ये हेलीकॉप्टर है, अगर हेलीकॉप्टर इस पे फोर्स एयर को नीचे की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो एयर भी इस पे फोर्स कहाँ अप्लाई करेगा, ऊपर की ओर, और इस कारण ये आपको जो होता है हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उठेगा। यानी हेलीकॉप्टर जितना तेजी से एयर को नीचे की ओर पुश करेगा उतना ही ऊपर वो उठेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लीकेबल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे भी देखिए जो हम आपको एग्जांपल बता रहे थे, यहाँ पे ये आदमी पीछे की ओर फोर्स अप्लाई किया, ये नाव पीछे गया और ये आदमी आगे चला गया, यहाँ एक्शन हो रहा ये कर रहा और ये इधर रिएक्शन हो रहा है। देखिए ये एक्शन और रिएक्शन। अब चप्पू से नाव चलाते, ये चप्पू होता है इसको कहा जाता है चप्पू, चप्पू से जब नाव चलाते तो पानी किधर आप धकेलते, पीछे की ओर ना, जितने फोर्स से आप पीछे की ओर पानी को धकेलते होता है फोर्स से आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ भी एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। और एक बात, अब नेक्स्ट बात, क्या एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पे अप्लीकेबल होता है क्या, आपसे पूछा जाएगा। जैसे देखिए ये बॉडी है तो क्या इस बॉडी पे ही एक्शन हो और इसी बॉडी पे रिएक्शन हो, यानी ये आपका एक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स इसी बॉडी पे लग रहा है, ये पॉसिबल है क्या, क्या ये पॉसिबल है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक ही बॉडी के ऊपर लग सके, पॉसिबल नहीं है। अगर एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक ही बॉडी पे लगेगा इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो ये बॉडी तो रेस्ट में रह जाएगा ना, ये बॉडी तो मूव नहीं करेगा। लेकिन जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडी पर लगता है, जैसे कि हम बताए थे वो आदमी जो होता है जो पैर में जूता पहना हुआ है स्केटर, वो इस पे फोर्स अप्लाई करता है इधर की ओर, इस पे फोर्स इधर लगता है। तो देखिए ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस वॉल के ऊपर लग रहा है ना, तो ये वॉल के ऊपर एक्शन कर रहा है और रिएक्शन फोर्स इस आदमी के ऊपर हो रहा है। ये देख रहे हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पे हो रहा है क्या, एक्शन बोला वॉल, एक्शन फोर्स वॉल के ऊपर लग रहा है और रिएक्शन फोर्स इस आदमी पे लग रहा है। एक बात याद रखिएगा कि एक्शन रिएक्शन फोर्स दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, सेम बॉडी पे नहीं लगता है, और एक्शन रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो मान लेते हैं कि F1 एक्शन फोर्स है और F2 आपको रिएक्शन फोर्स है, तो रिएक्शन फोर्स है तो दोनों में क्या आपको होगा, F1 बराबर होगा माइनस ऑफ F2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, F1 बराबर हो जाएगा क्या माइनस ऑफ F2। अगर ये बॉडी है और ये बॉडी है, ये A नाम का बॉडी B, ए बी ए जो होता है इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है B पे और B इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है A पे, तो इसका A, इस दोनों में क्या रिलेशन होगा, आपसे कोई पूछेगा बताइए एफ ए और एफ बी में क्या रिलेशन होगा, तो आपको लिखना होगा ऐसे एफ वन बराबर माइनस ऑफ एफ बी। अब बोलिए सर एफ वन इक्वल टू एफ बी होता है ना, तो माइनस आप क्यों लगाएं, एफ वन इक्वल टू एफ बी होता है, एफ बी होगा यानी ए फोर्स इसके बराबर है तो दोनों इक्वल होगा, तो माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसके अपोजिट क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। तो एफ एफ ए का ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लिए,
एफ बी का डायरेक्शन आपको क्या लेना करें, नेगेटिव, ठीक है, इसलिए नेगेटिव हुआ। अब वैल्यू पुट के देखिए, एफ ए का जब भी वैल्यू पुट हुआ 5 और एफ बी का वैल्यू हुआ लेंगे तो क्या होगा, -5। यहाँ पुट कीजिए एफ ए 5 माइनस और एफ बी क्या है -5, तो 5 इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस 5 होगा। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी आप लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, एफ ए इक्वल टू 5 लिखते हैं और एफ बी इक्वल टू क्या लिखते हैं -5, तो क्या 5 -5 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं। अगर ये रिलेशन लिखिएगा तो ये इस तरह का फॉर्म इस फॉर्म में आएगा, ये फॉर्म आपका गलत है, इसलिए इस फॉर्म में लिखिएगा तभी ना, इसका माइनस बने आप पुट कीजिए तो माइनस पुट के प्लस, ये दोनों मैथमेटिकली सेम होगा। इसीलिए याद रखिए एक्शन रिएक्शन फोर्स का रिलेशन हमेशा ये लिखिएगा, अगर एफ वन एक्शन है एफ टू रिएक्शन है तो दोनों का अगर मैथमेटिकली लिखने के लिए बोला जाए एफ वन बराबर माइनस ऑफ एफ टू इस फॉर्म में लिख रहा है और एफ ए एफ बी एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो एफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी। तो हमको लगता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्लियर हो गया होगा कि हर रिएक्शन का इक्वल एंड हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट बॉडी एंड एक्शन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दोनों के बीच रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो अब बस एक ही टॉपिक चैप्टर का बच गया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।